शहरवासियों के गुम हुए मोबाइल को प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक शिवपुर राजेश चंदेल ने वापस लोगों को वितरित किए हैं, जिसके बाद साइबर सेल प्रभारी प्रवीण त्रिवेदी एवं उनकी टीम ने गुम हुए मोबाइलों में से 80 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, जिन्हें आज पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम शिवपुरी में लोगों को वापस किया गया। अपने मोबाइल वापस पाकर लोग बहुत प्रसन्न दिखे और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को धन्यवाद कहा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। विक्रम सिंह, संजय रावत। सर, ये चोरी के मोबाइल आज जो लोगों को दिए गए हैं, कितने लोगों को दिए गए हैं और क्या कीमत? ये करीबन 80 मोबाइल हैं, इनकी ज़्यादातर ये चोरी की एफआईआर नहीं लेकिन मिसिंग वाली है, और उसमें चोरी भी हो सकती है तो उसको भी प्रकरण वाइज हम लोग देख रहे थे, लेकिन हमने 80 मोबाइल आज दिए हैं। आज धनतेरस के दिन इन लोगों को मिले हैं तो इनकी खुशियाँ काफ़ी हैं, और इसका करीबन पिछले एक साल से लेकर अभी तक के मोबाइल हैं, और जो लेटेस्ट वाला है वो 1.5 महीने पहले का मोबाइल गया हुआ था, वो भी मिला है। हमारी साइबर सेल की टीम जो है, जिसमें देवेंद्र सेन है, जलज हैं और विशेषकर आलोक है, ये लोग लगातार लगे रहते हैं और इसको परस्यू करते रहते हैं, तो एक अच्छी उपलब्धि आज मिली है। करीबन ये 80 मोबाइल करीबन 12 लाख के आसपास की कीमत के हैं और ये तो दिए गए हैं सबको। और ये हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।